हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आए हो बच्चे होंगे और आप सभी को प्यारी प्यारी सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सबको भेज के और बस मैं ना बिस्तर में लेटी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप आज भी नहीं निकली है और कल भी धूप नहीं निकली थी, बट ना कल ठंड नहीं लग रही थी और आज लेकिन ना ठंड भी लग रही। कान्हा को बहुत मना किया कि कान्हा स्कूल ना आ जाए, लेकिन नहीं माने कान्हा, क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है, स्कूल जाना ज़रूरी था, इसलिए कान्हा गए हैं स्कूल। और बस आप यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है ज़रूर बताइएगा। मुझे ना नींद आ रही, मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। अब काम वाम से तो मैं हो गई हूँ, फुर्सत है तो देखती हूँ अब थोड़ा। अगर फोन चला रही थी मैं मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए। सुबह के 10 बजे सब उठते हैं और मैं उठ के काम से फ्री होकर जा रही हूँ सोने के लिए। तो जब मैं उठूँगी तब फिर मैं मिलती हूँ आप सभी से। देखिए कान्हा जी आ चुके हैं हमारे और ये घूम रहे हैं अंडरवेयर में और टी शर्ट पहन ली पैंट की जगह। पीछे से देख गया। ये देखिए कान्हा जी सो अभी टाइम हो रहा है देखिए 4:30 और बस मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज है नर्मदा जयंती और आज हम लोग जाएंगे यहाँ पास में जो घाट है ना वहाँ पे। तो मतलब मन तो नहीं है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, पर आज उसी का मन है और कान्हा जाएगा उस कारण से मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चा है संभालने के लिए है। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना। मैं ना कल से नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कल मैं बनाऊँगी मटर की कचौड़ी। तो बस अभी मैं बना रही हूँ सैनी की सब्ज़ी और एक मिनट था। फ्राई कर लिया, मैं इनको पीस रही हूँ। तो ये मैंने मटर पीस दिए हैं, ये अभी मेरी सब्जी रेडी। अब यहाँ मैं चाय कर गर्म कर रही हूँ आदि जी को देने के लिए। मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। बस बर्तन मैंने निकाल दिए, अब एक कढ़ाई बस है तो अब उसको मैं आके वॉश करूँगी। बाकी बर्तन वर्तन मैंने सब वॉश कर दिए हैं और बस ये मिक्सर को रखते हैं ऊपर, ताकि भाई आके ना आटा वाटा भी लगा के रख दिया मैंने कि मुझे ना फिर रोटी या पूड़ी जो भी फटाफट से पॉसिबल होगा वो सेकूँगी मैं। और फ्री क्या पता कितने टाइम आती कितनी भीड़ होती, इसलिए मैं सब किचन विचन अपना क्लीन करके सब ये ना ये क्लीन व्लीन करके सब मैं रेडी करके जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई, बहुत देर से आदि जी बोल रहे रेडी हो जा रही थी जा रही थी जा बट लेडीज ही समझ सकती हैं ना कि किचन भाई कि कहीं बाहर जाओ तो सबसे पहले लगता है किचन का काम कंप्लीट करके जाओ। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं कि कहीं जाओ घर का हो जाए भले थोड़ा सा जाने में देर हो जाए वो चलेगा, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। सो मैं अभी हूँ रेडी और जब से मेरी मैरिज हुई है ना तब से सेकेंड टाइम मैंने ऐसा ये साड़ी के ऊपर से पल्लू लेके पहना है, क्योंकि मैं शॉल वॉल स्टॉल स्टॉल कुछ नहीं रख रही हूँ और यहाँ से निकलूँगी तो सिर ढकना पड़ेगा ना, इसलिए कैसी लग रही ठीक लग रही है ऐसी। और ये हो गए हैं कान्हा जी रेडी। कान्हा जी चलो गाइस। हाँ और रेडी हो गए हैं और बस मेरी चाय रखी है, मैं चाय पी लेती हूँ।
मेन ये दरवाजा, पीछे का दरवाजा ना रह ही जाता है। लाइट्स, चलिए निकलते हैं अब। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए घाट जाने के लिए। और देखिए जगह जगह पे ना ये क्या बोलेंगे, मतलब ये ऐसे बने थे पंडाल टाइप, पंडाल बने थे। और ये जा रही है चुनरी चढ़ने के लिए। क्या यहाँ तो भोलेनाथ की फोटो है, भोलेनाथ जी का, भोलेनाथ जी की प्रतिमा रखी थी, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे हर साल रखी जाती है ये प्रतिमा। भाई साहब कितनी गजब की भीड़ थी। तो ही हम लोग ना फिर घाट पे नहीं गए, हम लोग ब्रिज से गए। और ये देखिए भीड़, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़, कितनी ज्यादा भीड़। और उसको पार करके जाना था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और आदि लगा रहे टोपा क्योंकि पड़ने वाली है ठंड। लगा लो। और रास्ते में मैंने ये घर देखे, इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे। ना यहाँ पे लाइट है, मतलब बंद घर में हालत खराब हो रही है ठंड की वजह से। और यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। और ये बाजू में खेत था, कितना प्यारा लग रहा है हरा हरा। वो आप लोगों ने देखा ना कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो हम लोग तो घाट पे नहीं गए, ऊपर जो ब्रिज बनाया ना वहाँ से ही दर्शन करके आ गए, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और गाड़ियाँ ना काफ़ी दूर पे ही पार्क करवा रहे थे। और उसके बाद फिर पैदल ही जाना था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस हम लोग दर्शन करके आ गए और अभी बस खाना बनाओ गया। मैं ऑयलिंग भी पड़ रही ऑयलिंग ऑयलिंग करके। और बस क्योंकि कल संडे है तो कल मैं करूँगी हेयर वॉश, क्योंकि फिर आराम से ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मंडे को फास्ट होता है। सो बस अभी टाइम हो रहा है रात के, कैसे दिखाऊँ, हाँ 10:30 10:35 हो गए। बस मैं जा रही थी सोने के लिए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पता नहीं क्या हुआ है इस समय पे वीडियोस पे इतने कम व्यूज आ रहे हैं, इतने कम भी आ रहे हैं, मतलब 1-2-3 इस टाइप से आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मीन जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने लाइक ज़रूर आना चाहिए वीडियो पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बक है।